जखन छै से कोचिंग के अहाँ के सर के पता लागल हेतै जे छै से एतेक बढ़िया नंबर हमर एलै, सर के कतेक बेसी खुशी देखलियै? सर के तऽ खुशी के ठिकाना नहि हेतै, कियाकि मतलब सर सबसे पहले हमरा सरे जी कॉल करके कहलखिन, फेर बोललखिन, मतलब 461 नंबर यऽ, साइंस मे 99, मैथ मे 95 नंबर यऽ। हमरा बहुत खुशी, सर जी के तऽ आवाजे से पता चलै छै कते खुशी छलै से। सर के सबसे बड़का इंतजार हेतै जे हम अय बच्चा के पीछा एते मेहनत केलियै तऽ रिजल्ट केहन हेतै। जी जी, सर के बहुत इंतजार छलै बहुत दिन से भी। सर जी हमरा एतलो अपन BPSC के एग्जाम छलै ओहि के कनी रोकि के मतलब हमरा सबके पीछा बहुत ज्यादा मेहनत करने छलखिन। हम सब गोटा देखै छी जे शिक्षक सब छै तऽ नम्बर नम्बर अमाउंट लऽ के आओर बच्चा के ओहि तरीका शिक्षा लऽ के नहि दै छथिन, तऽ की छै एतय छै से अमाउंटे लऽ के छै से काम चलबै छथिन या फिर अहाँ छै से अपन मेहनत केलियै रहा? नहि नहि, एतय अमाउंट लए के कोनो भी अथी सब नहि चलै छै। हमर सर जी जेहन छै मतलब अगर कोनो भी तरहके प्रॉब्लम हैत, अगर कोनो भी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम या आर्थिक स्थिति, हर तरहसँ हेल्प करैके लेल तैयार छथिन। अगर अहाँके प्रॉब्लम यऽ सरसँ मिल सकै छी, अहाँके फ्री ऑफ कॉस्ट दए सकैए अगर प्रॉब्लम रहत तऽ। मतलब ई पैसाके लेल कहल जाए फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब मतलब सर जी अच्छासँ जानै छलखिन, आओर एखन ओहिके कारण हमरा सबके कारण BPSC कहल जाए सर जीके तऽ ओहिके कारण बर्बाद चलि गेल हमरा सबके कारण। कहलकै मिथिलाके बच्चामे अनुभवके कमी छै, हमसब गोटा एखन घोरा बोराम प्रखंड के 80 गाँव में छी और गाँव के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा के जे प्रतिभा छै उ तो एक अलगे रूपे हमरा सब गोटा के देखे के लेल भेट रहल है, और अइ प्रतिभा के निहारनाइ देखेनाइ छै से हमर सब के कर्तव्य बनै है। जे केओ 302 नंबर आनलखिन या फिर किनको 461 नंबर अयलै, तो बड़ खुशी के बात छै, मुदा IPS उहो बनै छथिन जे थर्डो डिवीजन रहै छथिन आ जे दसमा में फैलो रहै छथिन, कियाकि कतेको राज IPS बहुत सारा पद छै एहन जे जतय छै से जे दसमा में फैल छलखिन बड़का बड़का लोक बनलखिन। मुदा हमसब गोटा एखन जे कोचिंग संस्थान में छियै, कोचिंग संस्थान के नाम छै JMS कोचिंग सेंटर, और एहिठाम छै से लगातार 2 वर्ष से एहि प्रखंड टॉपर लऽ कऽ दऽ रहल छै। पिछलो वर्ष छै से कोचिंग संस्थान से प्रखंड टॉपर छलखिन, और अहियो बेर छै से कोचिंग संस्थान से प्रखंड टॉपर छथिन। 461 नंबर आनि के एहि कोचिंग सहित पूरा प्रखंड में छै से अपन नाम रोशन केलथिन। हरिबोल यादव छै से अहि ग्रामीण बगल के ग्रामीण क्षेत्र के छथि, और अहि कोचिंग संस्थान में आबि के पढ़ के और एक साल के मेहनत छै से कोलका रिजल्ट के माध्यम में छै से अपन रंग देखेले, और अहि से अहि दृश्य से छै से एतुका शिक्षक एतुका बच्चा सब एक टा अलग उत्साह छै, और ओहि उत्साह छै से अपने सबके समक्ष हम बच्चा से बातचीत कऽ के रखै छी, और हिनका सबसे जानै छी जे हिनकर सबके तैयारी केहन छलै, और हरिओम यादव जी के छै से केहन तैयारी छलै एक साल के। सबसे बेसी कई सब्जेक्ट में नंबर छै हरिबोल? सबसे ज्यादा साइंस में छै 99 नंबर। 99 नंबर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा में छै से 99 नंबर साइंस, मान लिए गाँव में पढ़ के गाँव के कोचिंग संस्थान में ऊपर से प्रखंड टॉपर छियै, कतेक बेसी खुशी छै? बहुत बहुत बेसी खुशी छै, बहुत बेसी खुशी छै। एहि क्षेत्र में छै से मतलब एहन की देखलियै रहै JMS कोचिंग संस्थान छै से ज्वाइन केलियै और एहिठाम छै से पढ़ै के लिए लेलियै? JMS कोचिंग जे छै बहुत मतलब कल जाए 4-5 साल से बहुत अच्छा रिजल्ट दए रहल छै, कियाकि हम देखलियै लगातार 4-5 साल से मतलब इसकुल से लए के मतलब कल जाए एरिया में सबसे बेस्ट कोचिंग कल जाए तो ये छै अखन तक हाल फिलहाल में। अखन हाल फिलहाल में कहबै तऽ प्रखंड मतलब प्रखंड इसकुल के साथ साथ अखन बहुत नाम चल रहल छै ट्रेनिंग में, ये कोचिंग अखन चल रहल छै। पिछलो बार के कोचिंग से एकटा बच्चा छै से टॉपर छलखिन? हाँ जी, अशरफ जी छलिन, 463 छै। 462 61 छै, 61 छै अहाँके एतय जखन 461 नंबर अयलै तखन छै से माँ पापा कते बेसी खुश छलखिन? बहुत बहुत बेसी खुशी भेल छलै। हम गेलियै सबसे पहले गेलियै पिताजी के पास, पिताजी पुछलै कते नंबर अयलै, हम अचानक कहलियै 361 नंबर छै, पिताजी के शौक लगलै, हम फेर देखलियै मतलब 461 नंबर छै, बहुत बहुत ज्यादा खुशी भेलै, बहुत बेसी खुशी। बहुत जखन छै से कोचिंग के अहाँके सर के पता लागल हेतै जे छै से एतेक बढ़िया नंबर हमर अयलै, सर के कतेक बेसी खुशी देखलियै? सर के तऽ खुशी के ठिकाना नहि हेतै, कियाकि मतलब सर सबसे पहले हमरा सरे जी कॉल करके कहलखिन, फेर बोललखिन, मतलब 461 नंबर यऽ, साइंस मे 99, मैथ मे 95 नंबर यऽ। हमरा बहुत खुशी, सर जी के तऽ आवाजे से पता चलै छै कते खुशी छलै से। सर के सबसे बड़का इंतजार हेतै जे हम अय बच्चा के पीछा एते मेहनत केलियै तऽ रिजल्ट केहन हेतै? जी जी, सर के बहुत इंतजार छलै बहुत दिन से भी। सर जी हमरा एतलो अपन BPSC के एग्जाम छलै ओहि के कनी रोकि के मतलब हमरा सबके पीछा बहुत ज्यादा मेहनत करने छलखिन। हम सब गोटा देखै छी जे शिक्षक सब छै तऽ नम्बर नम्बर अमाउंट लऽ के आओर बच्चा के ओहि तरीका शिक्षा लऽ के नहि दै छथिन, तऽ की छै एतय छै से अमाउंटे लऽ के छै से काम चलबै छथिन या फिर अहाँ छै से अपन मेहनत केलियै रहा?
नहि नहि एतऽ अमाउंट लए कऽ कोनो भी अथी सब नहि चलै छै हमर सरजी जेहन छै मतलब अगर कोनो भी तरहके प्रॉब्लम हैत अगर कोनो भी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम या आर्थिक स्थिति हर तरहसँ हेल्प करैके लेल तैयार छथिन अगर अहाँके प्रॉब्लम यऽ सरसँ मिल सकै छी अहाँके फ्री ऑफ कॉस्ट दए सकैए अगर प्रॉब्लम रहत तऽ मतलब ई पैसाके लेल कहलियै फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब मतलब सरजी अच्छासँ जानै छलखिन आओर एखन ओहिके कारण हमरा सबके कारण बी पी एस सी कहल जाए सरजीके तऽ ओहिके कारण बर्बाद चलि गेल हमरा सबके कारण एतेक सर नहि क्रैक केलखिन नहि क्रैक केलखिन हमरा सबके कारण मतलब एतेक हमरा सबके पीछा मेहनत लखिन से शिक्षक के छै से आइ काल्हि बहुत बेसी हम सब गोटा देखै छी जे कतेको रास सोशल साइट पर देखै छी शिक्षक के बहुत बेसी पढ़ाबैक तरीका अलग रहै छै मुदा एखन जे बच्चा छै से एखुनका जे जे एम एस कोचिंग के संस्थापक जे शिक्षक दै कहि रहल छै जय सर विजय सर दा जे कहि रहल छै बहुत खुशी होइए हमरा सबके जे अपन बी पी एस सी के परीक्षा छोड़ि के आओर बच्चा के पीछा से एतेक मेहनत केलखिन जे 461 नंबर एलै आओर फेर से बेर प्रखंड टॉपर छथिन आओर लगातार ई दू वर्ष के प्रखंड टॉपर ई एकटा अलग चीज हमरा सब गोटा के देखे के लेल भेट रहल यऽ कतेक बेसी खुशी छै जखन एहि ग्रामीण क्षेत्र से एहि क्षेत्रीय वाला इलाका छै से कतेको रास छात्र एक संग एक बैच में बैठ के पढ़ै छथि आओर एतऽ छै से एकटा टीचर छै से बच्चा के पीछा कतेक बेसी मेहनत करै छथिन आओर हिनकर रिजल्ट आबै छै आओर किछु बच्चा सब छथि हुनको सबसे हम सब बातचीत करै छी आओर हिनको सबसे जानै छी जे हिनका सबके पीछा की मेहनत छलै आओर कतेक नंबर छै अहाँके अंजलि कुमारी कतऽ से पढ़ै के लेल आबै छियै भदौन से अच्छा ओते दूर से गाँव आबै छै पढ़ै लेल हाँ गाँव वाला इलाका में बाजार शहर लोग जाए छे ता पढ़े के लिए लेकिन अहा गाँव में पढ़ लिए की देख लिए जे हम एडमिशन करबे लिए रह बहुत अच्छा पढ़बे छलखिन ना त द्वारा भाई जी अर लेकिन ओते चल जाओ पढ़े ले त मतलब सर निक पढ़ेलखिन रहे एक साल हां बहुत अच्छा पढ़ेल खुशी छिए हां जी आरो बच्चा के सपना रहे छे जे हमहु टॉपर हो लेकिन शिक्षक छै से अपन मोन मे एकटा चीज एकटा उद्देश्य लऽ कऽ चलै छथिन जे हम सबसे जतेक बच्चा छै सब हमर कोचिंग संस्थान से टॉपर निकलैत हमर क्षेत्र के नाम करैत और संगे हमरो नाम होइ छै और शिक्षक के कखनो भी ई लोभ नहि रहै छै जे हमरा छै से बहुत सारा पैसा लऽ कऽ दऽ देता तऽ हम बहुत बेसी अमीर भऽ जेबै लेकिन आइ काल्हि ई खेल मेल छै से बाहर भीतर चलै छै लेकिन एखनो एहि ग्रामीण क्षेत्र सबमे हम सब गोटा देखै छी जे कतेको दिन से कतेको राज कोचिंग संस्थान चलै छै आओर ओतऽ छै से बच्चा के मुफ्तो मे पढ़ायल जाइ छै बच्चा के छै से घर घर से आनल जाइ छै पेरेंट्स सब के अहाँ अपन बच्चा के लऽ कऽ दियौ आओर अहाँ छै से एहिठाम अपन कोचिंग संस्थान मे बच्चा के एडमिशन करबा के बच्चा के फ्री मे पढ़ाबू अहाँ के अगर एकटा बच्चा पढ़े छै तऽ ओहि समाज मे छै से हजारो बच्चा तैयार होइ छथिन आगू पढ़े के लेल आओर एहिसँ बड़का समाज एकटा नमहर डेवलप वाला समाज छै से कतौ ने कतौ जागे कोशिश करै छथिन आओर उहे उद्देश्य लऽ कऽ ई शिक्षक सब चलल छथि जे एहि ग्रामीण सनक क्षेत्रमे जे एम एस कोचिंग संस्थान के नाम से अपन कोचिंग चलबै छथि आओर एक संग छै से कतेको राज बच्चा के शिक्षा लऽ कऽ दै छथिन आओर एतऽ छै से हरेको साल प्रखंड टॉपर निकालै छथि सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई अहाँके सबसे पहले जी मिथिला के जे एम एस कोचिंग तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आइ अहाँ एतऽ आबि के हमरा बच्चा से ग्राउंड रिपोर्ट लेलिए एहिके लेल हम काफी खुश छी केहन केहन सर केहन खुशी छलै जखन बच्चा के छै से 461 नंबर एलै आ फेर से बेर से प्रखंड टॉपर भेलखिन जे हिसाब से एतुका बच्चा जे मेहनतिया छै आओर जे हिसाब से हम बच्चा के कॉल ओहि हिसाब से बच्चा बात के मानते आओर हमरा जगह यहाँ पर सुदूर क्षेत्र के बच्चा सबसे ज्यादा छै आओर ओहो मे निर्धन परिवार के आओर गृहस्थ परिवार के छात्र छात्रा ज्यादा छै हम अखनो बहुत कम फी मे लए के बच्चा सबके यानी एतऽ पठन पाठन कराबै छियै आओर 4-5 दर्जन बच्चा ऐसन हेतै जे निर्धन परिवार से जेकरा हम निःशुल्क शिक्षा दै छी एहिके लेल अहाँ ककरो से पता लगा सकै छियै आओर जे एहि वीडियो माध्यम से देखैत हेबै अगर कोई बच्चा के अगर पढ़े के अगर व्यवस्था नहि हैत पढ़ाई के लेल पैसा नहि हैत तो बच्चा एतऽ आबि के अहाँ पढ़ाई लए सकै छै साथ ही साथ आओर ज्यादा अगर बच्चा गरीब छै तऽ ओहि बच्चा के हमरा तरफ से कॉपी किताब भी मुफ्त मे देल जाइ छै हम सब गोटा देखै छी जे गाँव वाला बच्चा छै से शहर जाइ छथिन लेकिन अहाँ छै से अपने ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ल छी आओर ग्रामीण क्षेत्र मे आबि के पढ़ाबै छी लेकिन जखन पढ़ि लै छथिन नीक जकाँ आइकाल्हि देखै छी हमसब छै से बाहर जाके कोचिंग संस्थान खोलै छथिन बहुत बहुत पैसा लऽ कऽ छै से बच्चा के पढ़ाबै छथिन चाहे ओ गरीब है या फिर अमीर है लेकिन अहाँ के एहन कारण की छलै जे गाँव वाला इलाका मे छै से अपन कोचिंग खोलिए कारण छै सर हमहुँ एक समय एहने रहियै एहने परिवार से गुजरल रहियै हम अपन निर्धनता देखने छी जाहि कारण चाहै छियै कि कुछ दिन समाज सेवा हेबाक चाही जे बच्चा सबके कारण हम अपन एग्जाम भी बी पी एस सी गबा चुकल रहियै
नहीं सही से प्रिपरेशन कए पेलिए, लेकिन जैसे जे हिसाब से बच्चा पढ़ लगलिए ओहि तरह से बच्चा हमारा रिजल्ट दलके, और उम्मीद छै कि एहि तरह से जब तक हम रहबे तो एहि तरह से अहाँके रिजल्ट फलैत फूलैत रहते, ओहिमे कतौ तरह के कोई किंतु परंतु वाला बात यानी नहीं छै। तऽ हमसब गोटा पहिले कहै छलियै जे शहर के बच्चा छै से नमहर सपना देखथिन, तऽ हमसब आब ई कहि सकै छी हमर सबके गाँवो के बच्चा पैघ सपना देख सकै छथिन। हाँ बिल्कुल सही बात छै, अगर बच्चा मन लगाए कऽ और ईमानदारी के साथ अगर मेहनत करे तो निश्चित छै कि बहुत पैघ जे छै से लक्ष्य हासिल कए सकैए। तऽ अगला वर्ष छै से की देबै, जिला टॉपर लऽ के देबै तखन कोचिंग से? कोशिश तऽ रहतै पूरा कि इहो से अच्छा बच्चा करे, जैसे शुरू के दौरान जे छै से 3-4 साल तक बच्चा इसकुले टॉपर तक रहि जाइत रहै, 2 साल से लगातार जे छै से बच्चा प्रखंड टॉपर रहलै, पिछला साल भी मोहम्मद अशरफ 463 मार्क्स आनि के गोराबोराम प्रखंड टॉपर रहलै, और एहि बार हरिबोल यादव जे छै से 461 मार्क्स आनि के और विज्ञान विषय में 99 मार्क्स आनि के एहि क्षेत्र के यानी गौरवान्वित केलकै, साथ ही साथ एहि कोचिंग के भी गौरवान्वित केलकै। तऽ जे बच्चा टॉप करै छथिन कोचिंग से हुनका छै से कोचिंग संस्थान से नमहर गिफ्टो भेटै छै, की गिफ्ट छै? पिछला साल भी मोहम्मद अशरफ के हम अपना तरफ से लैपटॉप देने रहियै, से तऽ एहि क्षेत्र के सब आदमी जानै छै। एहि बेर कोशिश रहतै कि 15 अगस्त में हर साल हम फंक्शन करै छियै गेस्ट के रूप में, कुछ इहो बेर यानी कुछ ही नहीं कुछ अच्छा ही प्राइज रहतै। बात भेल रहै कि अगर रिकॉर्ड बच्चा तोड़ै छै तऽ फिर से लैपटॉप, फिर भी अगर नहीं तोड़ पेलै फिर भी बच्चा के यानी अच्छा ही प्राइज देल जेतै। सर के आर्थिक स्थिति बढ़िया है कि नहीं है, लेकिन ओहि बच्चा के लेल छै से 1 साल पूरा मेहनत करै छै और ओहि आर्थिक स्थिति से जूझै छै से बच्चा के पढ़ाबै छै, अपन मजबूरी के छै से तोड़ै छै से बच्चा लगन 1 साल पूरा मेहनत कऽ के छै से बच्चा के टॉप लिस्ट में आने छथिन। नहि मन में ई रहै छै जे हम बच्चा से 200 रुपया अगर फीस लेलिए, 500 रुपया अगर फीस लेलिए तो हुनका अगर जे टॉपर हमर कोचिंग संस्था से निकलथिन हुनका छै से लैपटॉप से सम्मानित करबै, और ई चीज जे छै से हमसब गोटा ई किनको से नहि छी पल से हमसब व्यक्तिगत छै से चीज के जानै छी और कतेको दिन से चीज के देखै छियै जे ई एहि ग्रामीण क्षेत्र में छै से हजारों बच्चा के और कतेको राज बच्चा के छै से अपने ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ के और एहि क्षेत्र के बच्चा के एकटा नीक शिक्षा दे के काज करै छथिन। हमहूँ सब आग्रह करब जे एहन एहन शिक्षक सब लगन अहाँ सब गोटा ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, अगर अहाँ के गाँव में एकटा नीक शिक्षक छथिन तो ओतय जाके पढ़ू, और ओहिठाम छै से जे ओ नीक शिक्षक सब छै हुनका कोचिंग में ज्वाइन करू और नीक शिक्षा प्राप्त करू। आग्रह करब एक बेर जरूर एक कोचिंग आबू अगर ग्रामीण क्षेत्र के छी और नीक शिक्षा प्राप्त कऽ के अपन बच्चा के भविष्य सँवारू, क्योंकि 1 साल के सफर बहुत लंबा सफर होइ छै और ओहि सफर में अगर अहाँ के बच्चा के जिंदगी खराब भऽ जाइ छै तो दोबारा ओ ककरो नहि सँवरि सकै छै। मुदा चलू हम सब गोटा फिर से कोनो कोचिंग संस्थान कोनो बच्चा से भेंट घाट कराबै छी, ता धरि हमरा सबके संग बनल रहू, धन्यवाद।